देखिए, सबसे पहले तो मैं दुर्भाग्य कहूंगा मथुरा का कि जिस उम्मीद से जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे ऊर्जा मंत्री वर्तमान विधायक। वो जनता को उपलब्ध ही नहीं थे और उनको उनको जनता पहचानती तक नहीं है। जब उनसे मिलने की बात आती है तो उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे जनता से मिलते हैं। आज स्थिति ये हो गई है, जिस जनप्रतिनिधि को जनता ना पहचानती हो तो उससे विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। स्थिति बहुत गंभीर है। जो बड़े बड़े विकास की बातें उन्होंने करी, वो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के काम को अपना काम बताते हैं, वो मथुरा वृंदावन नगर निगम के काम को अपना काम बताते हैं, वो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के काम को अपना काम बताते हैं। तीनों ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तीनों के बजट अलग अलग पास होते हैं, तो उस पर सम्मानित मंत्री जी मोहर लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री जी, आपने खुद कहा कि 90,000 करोड़ का लॉस उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में आपके रहते हुए हुआ, तो किस बात के ऊर्जा मंत्री हैं जो अपने विभाग के लॉसों को नहीं आप खत्म कर पाए या कम कर पाए, तो क्या आप जनता को कुछ दे पाएंगे। मथुरा में 3-3 बार स्मार्ट मीटर्स बदले गए और उसमें जनता को इतनी परेशानी हुई। आपके मीटर इतना उछाल मारते हैं कि 200 रुपये का मीटर का जिसका बिजली का बिल आता है उसका 1500 का आने लगा, जिसका 500 का आता था उसका 2000 का आने लगा, जिसका 2000 का आता था उसका 5000 का आने लगा, जिसका 5000 का आता था उसका 20000 आने लगा, और जिसका 20000 आता था उसका 1 लाख आने लगा। फिर आपके विभाग में बार्गेनिंग होती है, भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो जब आने लगा तब आप कहाँ थे, और आज जब चुनावी चुनाव शुरू हो गया है हम तो बराबर, आपको विपक्ष की भूमिका याद आ रही है? हम तो बराबर चिल्ला रहे हैं 365 days by 24 hours उपलब्ध रहते हैं, बराबर चिल्लाते रहते हैं, पर इस योगी मोदी की सरकार में नक्कार खाने में तूती की आवाज, कान में रुई डाल रखी है। मंत्री जी को दिल्ली से मथुरा आने में दिक्कत होती है, दिल्ली में घूमते हैं, लखनऊ में घूमते हैं, यहाँ उपलब्धि कहाँ रहते हैं मंत्री जी बताइए। विकास प्रेस मीटिंग मथुरा में कर रहे हैं, आए दिन मीटिंग मथुरा में ले रहे हैं, जिला अस्पताल के दौरे कर रहे हैं, सुनिए सुनिए, जनसंपर्क कहाँ कर रहे हैं, वो तो अधिकार निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों की मीटिंग करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आम जनमानस से मिलने का समय कहाँ है, आम समस्या जनप्रतिनिधि वाला रोल कहाँ है। कोरोना काल में भी उन्होंने हेल्प सेंटर खोला अपने आवास पर, आवास पे खोला तो कितने लोगों ने फायदा उठाया, सब कोरी ढकोसलेबाजी, झूठ बोलना, बहकाना, मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाना। यमुना प्रदूषण मुक्त कहाँ हुई, उन्हें कहा था 31 अक्टूबर तक नाले टैप हो जाएंगे, कहीं कुछ दिखा, और स्थिति कैसे भूल जाएंगे भया होता तो आप कि लोग सिसक सिसक के मरे ऑक्सीजन की कमी से, और सरकार ने कानों में रुई लगा रखी थी, लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही थी, मुर्दों को दफनाया जा रहा था, फिगर को मैनिपुलेट किया जा रहा था, योगी जी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मंत्री जी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जनता सब जानती है। एक काम तो बताएं मंत्री जी, उन्होंने एक भी काम मथुरा में कराया हो, मैं हमें उम्मीद तीर्थ स्थल घोषित करा दिया, इतना बड़ा काम करा दिया, 22 वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित कराया, भगवान कृष्ण को 22 वार्डों तक सीमित करके रख दिया। मंत्री जी, यदि मथुरा जनपद को पूरे को तीर्थ स्थल घोषित कराते तब हम मानते, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, सब वोटों की जगलरी है। अब जनता समझ चुकी है, आपको तो बहुत अच्छी तरह जान गई है, आपके व्यवहार को जान गई है, आपको अच्छी तरह जान गई है कि भाई उनसे बड़ी गलती हुई कि गलत जनप्रतिनिधि चुन गया। जी, तो अब वो सही जनप्रतिनिधि चुनने जा रही है, अब वक्त आएगा, वो तो वक्त बताएगा कौन चुना जाएगा कौन नहीं चुना जाएगा, तो परंतु जनता को पश्चाताप है। एक्टिविटीज से, आपकी सक्रियता से लग रहा है कि आपकी टिकट तो पक्की है। हम तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, और वहां से वैसे आपको बोल दिया गया है कि आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। अब ये तो आप कह रहे हैं, अभी हमें नहीं पता, अभी हमारी घोषणा नहीं हुई है और कहा नहीं गया, परंतु हाँ हम बराबर 24 घंटे काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा, ये और बता दीजिए, अब आपको कौन लग रहा है अपने सामने आता हुआ, कौन दिख रहा है? अरे जो भी आएगा उससे हम मजबूत पहलवान हैं, कुश्ती लड़ेंगे और पट करेंगे उसे। अच्छा कहीं चित्त तो नहीं हो जाएंगे? अरे चित्त कैसे हो जाएंगे, पट करेंगे। लोग आजीद आ गए, बीजेपी
मोदी योगी से महंगाई सातवें आसमान पे, डीजल पे। अरे कांग्रेस के जमाने में तो महंगाई घट गई थी, बिल्कुल जमीन पर आ गई थी, बिल्कुल घट गई थी, इतनी तो थी नहीं। खाने का तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 950, कैसे भूल जाएंगे स्मृति ईरानी सड़कों पे लोटा करती थी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हाय हाय करती थी, स्वर्गीय जेटली जी राज्यसभा में हंगामा काटे रखते थे। अरे उनको तो विपक्ष की भूमिका निभानी आती थी, आपको तो वो भी नहीं आता है। हमने सत्ता में राज किया है राजा रजवाड़ों की तरह, हमने जनता की सेवा नहीं करी है, हमने जनता के दुखों के दर्दों में भागीदारी करी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाते हैं, उनके दुखों में हाथरस में प्रियंका गांधी जी आई, उन्नाव में गई, और योगी जी जन्माष्टमी तक मथुरा में मनाते हैं। अरे वो भी पॉलिटिकल स्टंट है उनका, सारा का सारा वोटों की राजनीति। अच्छा। है हम तो 24 घंटे पूजा कर रहे, पाठ करने वाले हैं, सनातन धर्म सनातनी हिंदू है, ये ढकोसलेबाजी करते हैं और नाटक करते हैं और धर्म को जो है वोटों से जोड़ते हैं।